हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टीच ट्यूटोरियल नाउ एंड आई एम सोनम प्रजापति। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आफ्टर इफेक्ट इंट्रो के बारे में। आफ्टर इफेक्ट इंट्रो ही नहीं, आप अपने लोगों को एनिमेट कर सकते हो, उसका GIF बना सकते हो और काफ़ी क्रिएटिव तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ हम लोग क्या बनाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने आफ्टर इफेक्ट ओपन कर लिया है। इसके बाद चलिए मैं यहाँ पर लेती हूँ न्यू शॉलेट। लेने के बाद फ्रेंड्स, आपको जाना है यहाँ पे इफेक्ट्स में, यहाँ पर आपको सर्च करना है रैम्प। इसके बाद फ्रेंड्स, आप डाल दीजिए इसके ऊपर, आपके सॉलिड के ऊपर, यहाँ से आप कर दीजिए रेडियल रैम्प। इसके बाद फ्रेंड्स, ये वाइट है तो इसको ब्लैक कलर कर दीजिए और जो ब्लैक है उसको आप वाइट कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। इसके बाद फ्रेंड्स, इसको आप ले आइए सेंटर में और यहाँ से इसकी वैल्यू बढ़ा दीजिए। ये देखिए, यहाँ से आप वैल्यू बढ़ा दीजिए इसकी। इसके बाद फ्रेंड्स, चलिए लोगों को इंपोर्ट कर देते हैं। ये देखिए, ये मैंने लोगों को इंपोर्ट कर दिया। तो इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ से आप ले लीजिए, इसको ड्रैग कर दीजिए यहाँ पर। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, यहाँ पर लिखना है CC बॉल। इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा CC वॉल एक्शन, इसको आप यहाँ पर डाल दीजिए। तो फ्रेंड्स, इसके बाद आपको करना है स्कैटर को ऑन कर देना, यहाँ पे फ्रेम इंसर्ट कर देना, एक यहाँ पर कर देना, एक ग्रेड स्पेसिंग में कर देना और एक बॉल साइज में। इन चारों पर आप फ्रेम इंसर्ट कर देना। इसके बाद फ्रेंड्स, आप यहाँ पर प्रेस कीजिए यू। प्रेस करने के बाद फ्रेंड्स, आपको करना है इसको कर दीजिए आप 3 सेकेंड पर शिफ्ट। इसके बाद फ्रेंड्स, अब करते हैं हम इसको स्कैटर की वैल्यू बढ़ाते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए, लुकिंग सो अमेजिंग। एंड इसके बाद फ्रेंड्स, आप एक्सेस कर दीजिए Z एक्सेस। ये देखिए, Z एक्सेस कर दीजिए तो ये सारे फ्लैट्स हो जाएंगे। इसको आप जैसा रखना चाहो रख सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ से आप वैल्यू कर दीजिए इसकी -2। इससे क्या होगा, रोटेशन आ जाएगा इसमें कुछ इस तरह से। सो फ्रेंड्स, इसके बाद ये देखिए, आप ग्रिड स्पेसिंग, आप अभी ये दूर दूर मतलब पास पास में है, इससे स्पेस बढ़ेगी इनकी, तो अभी हमको ये इनकी ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप वॉल साइज को और बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, जैसा भी आपको लगे रख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, ये देखिए, ये अभी कुछ इस तरह से दिख रहा है। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको करना है यहाँ पे, आपको जो ग्रिड स्पेसिंग है इसको कर देना है 5 से आपको कर देना है 1। ये देखिए, आपने 1 कर दिया है। अगर फ्रेंड्स आप देखिए माइनस करेंगे तो यह बिल्कुल एकदम क्लियर नहीं है। फिर भी ये देखिए यहाँ पर, और इससे कम वैल्यू होगी नहीं, बस ज़्यादा ही होगी, तो आपको पूरी इसको 0 कर देना है फ्रेंड्स। तो इसके बाद मैं आपको बताऊँगी इसको ठीक कैसे करना है। फिर इसके बाद फ्रेंड्स, आपको क्या करना है मैं बताती हूँ। इसको कर दीजिए आप डुप्लीकेट, आप प्रेस करिए Ctrl और D, इससे यह डुप्लीकेट हो जाएगी। आप एडिट में जाकर भी देख सकते हैं डुप्लीकेट का ऑप्शन। इसके बाद फ्रेंड, जो नीचे की है लेयर, इस पर आप क्लिक कीजिए और इसको आप डिलीट कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद फ्रेंड्स, आप यहाँ पर सर्च कीजिए CC लेंस। इसके बाद फ्रेंड्स, आप इसके ऊपर डाल दीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आपको इसको ऑफ कर देना है फ्रेंड्स, और आप यहाँ पर आना है, आपको यहाँ पर एक फ्रेम इंसर्ट कर देनी है और यहाँ से फ्रेंड्स, आप 4 सेकेंड पे इसको और बड़ा कर दीजिए। तो फ्रेंड, देखिए कैसा दिखेगा। यहाँ पे फ्रेंड्स, आपको यू प्रेस करना है, जो पहली की थी हमारी वहाँ पर करना है फ्रेंड्स। आपको इसका 0 साइज, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब मैं इसको ऑन कर देती हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए, यहाँ से हमारा ये आया, और ये देखिए फ्रेंड्स, देखो आपको ये इसका साइज़ कुछ अजीब गरीब दिख रहा होगा। यहाँ से आप और इसका वॉल का साइज बढ़ा सकते हैं, और ग्रिड स्पेसिंग अभी आपकी 0 है, तो आप यहाँ से थोड़ी सी बढ़ा दीजिए। ये देखिए फ्रेंड, इसके सही कर लीजिए आप, एडजस्ट कर दीजिए, 3 कर दीजिए इसके, तो ये ठीक हो जाएगा।
अब इसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं इसको ठीक करने की। अभी ये सही से नहीं दिख रहा है, तो फ्रेंड्स आपको करना क्या है, आपको 3 सेकंड पे जाना है। 3 सेकंड पे जाने के बाद फिर से आपको ये लोगो को इंपोर्ट करना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ नीचे पर आप स्प्लिट लेयर कर दीजिए आप, या फिर कंट्रोल शिफ्ट डी दबा सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट डी दबा दीजिए और इसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स इसको डिलीट कर दीजिए। सेम थिंग्स ऊपर वाली लेयर के साथ करना है। यहाँ पर आप दबा दीजिए कंट्रोल शिफ्ट डी और आगे से डिलीट कर दीजिए इसको। तो ये देखिए सही हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स कितना कूल लग रहा है। इसको फ्रेंड्स और अच्छा बनाने के लिए हम एक और चीज़ अप्लाई करते हैं, सीसी फोर्स मोशन ब्लर। ये हम हमारे लोगो पर जो हमने बॉल एनिमेशन किया था इस पर डाल देते हैं, और नीचे वाली लेयर पे जहाँ पे हमने सर्कल बना के ये किया था, तो दोनों में मोशन इफेक्ट ऐड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको दिस वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स एक लाइक कर दीजिए, और जो भी क्वेश्चन हो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, चाहते चाहते चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। ओके बाय।